उतलुबुल इल्म साहतम मिन लैल खैरुम मिन इहयाईहा, थोड़ा सा इल्म रात के हिस्से में हासिल कर लेना रात भर जग कर नफिल नमाजें पढ़ने से बेहतर है, रात भर की नफिल इबादत से बेहतर है। आजकल हमारा सरमायादार तबका, अब्बा मर जाए तो उसने कुएं खुदवाना है, उसने बोरिंग ही खुदवाना है, उसने वजू खाना ही बनाना है। कौम अकल से तो काम ले। पहले के जो फोन इस्तेमाल करते थे वो घुमाने वाले, अभी नहीं क्यों नहीं करते उसको? पहले मोटोला का मोबाइल इस्तेमाल करते थे, अभी आईफोन क्यों इस्तेमाल करते हो? क्यों उसको लेके नहीं घूमते? वो कहा मौलाना वो दौर अलग था, अभी का दौर अलग। तो मैंने कहा जब दौर के साथ तुमने सब चीज़ें बदली तो दौर के साथ इसाले सवाब का तरीका भी तो कुछ चेंज करो। पहले कुओं की ज़रूरत थी, कुएँ खुदवाए जाते थे इसाले सवाब के लिए। पहले बोरिंग की ज़रूरत थी, बोरिंग खुद पानी बहुत कीमती था, और अरब में तो ख़ास तौर पर अभी भी पेट्रोल से महंगा पानी है, तो वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस वक्त तो कौम को पानी और खाने से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है, इसलिए इसाले सवाब के नाम पर इल्म के नाम पे पैसा खर्चा करो। आप कहेंगे तू नई बात लाया, मैंने कहा नई नहीं, मैं तकरीबन 600 साल पुरानी बात आपको बताऊँ। मेरे मुर्शिद सरकार तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला के मलफूजात में अल्लामा निज़ामुद्दीन यमनी लिखते हैं, देखो इल्म की अहमियत और इल्म पे खर्चा करने की अहमियत। कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरतुन नबा की आखिरी आयत, सूरतुन नबा की आखिरी आयत है, वयकूलुल काफिर या लैतनी कुंतु तुराबा। इसका जाहिरी मफहूम यही है कि काफिर तमन्ना करेंगे या लैतनी, काश कुंतु तुराबा, हम मिट्टी हो जाते। तुराब का मतलब होता है मिट्टी के। लेकिन उलमा मौजूद हैं, ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान की एक आयत का एक माना नहीं मुतय्यन कर सकते आप। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कुरान की एक एक आयत के 70,000 मानी हैं। अगर कोटा वालों को समझ भी नहीं आता तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना बयान हो सकते हैं तो बंदे के कलाम के इतने माना निकल सकते हैं, तो खालिक के कलाम के कितने माना निकल सकते हैं। ये कुरान का मौजज़ा है। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब तो यहाँ तक लिखते हैं कि कुरान का नुजूल बंद हो गया है हमारे अकीदे में, और ये सच्चा अकीदा है, नुजूल कुरान बंद हुआ है, लेकिन मानिए नुजूल कुरान आज भी नबी के गुलामों के दिल पर हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। हर दिन कुरान की आयत का नया माना है, हर वक्त कुरान की आयत की एक नई लज्जत है। तो कुरान की एक आयत मैंने पढ़ दी, जाहिरी मफहूम यही है जो मैंने बयान किया, काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम क्या हो जाते, मिट्टी हो जाते। लेकिन मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ अब इसकी एक तशरी और फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? तशरी ये फरमा रहे हैं कि तुराब नाम का एक काफिर था, तुराब नाम का एक काफिर था, और वो काफिर कयामत के दिन, यानी जिसको लोग काफिर कहते थे, तुराब नाम का काफिर जिसे लोग काफिर कहते थे, वो कयामत के दिन जन्नत में जा रहा होगा, वो कयामत के दिन जन्नत में जा रहा हो। कौन? जिसको लोग काफिर समझते थे, जिसे लोग काफिर कहते थे, वो तुराब नाम का काफिर कहां जा रहा होगा? बोले जन्नत में। तो वो कहेंगे ओ तुराब, तू हमारी कौम से था, तू हमारे मजहब पर था, हमारे मसलक पर था, हम जहन्नम में जाए तू जन्नत में क्यों? तो तुराब पलट कर कहेगा मैं तुम्हारे मजहब पर था हूं नहीं, तुम्हारे मस्तक पर था हूं नहीं, तुम्हारे रास्ते पे था हूं नहीं। का मतलब क्या? का मतलब ये कि मैं एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहा था, तवज्जो करना, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक मुसलमान का लड़का अपने कलम से अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था, कागज पर कुछ लिख रहा था, उसका कलम गिर गया। किसका? मुसलमान के बच्चे का कलम गिर गया। तो मैंने सोचा कि बच्चा नीचे उतर के कलम उठाएगा, वक्त जाएगा, उसकी पढ़ाई में खलल आएगा। तो वो कलम मैंने उठाया और उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। तो वो कलम उठाकर देना था, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत अता की और मरने के बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत की नेमत अता फरमा दी, इसलिए अब मैं जन्नत में जा रहा हूं। तो कुरान कहता है या लैतनी कुंतु तुराबा, काफिर कहेंगे काश हम भी तुराब होते, किसी पढ़ने वाले का कलम ही उठाकर दे देते तो जहन्नम में ना जाते, हम भी जन्नत के में दूल्हा बनकर जन्नत में दा
داخل کیے جاتے ہیں۔ اب کوٹا والوں بتاؤ، تراب نے خود کے پیسے سے قلم خرید کر کے نہیں دیا، جیب کے پیسے سے قلم خرید کر نہیں دیا، اسی کا قلم اٹھا کر کے دے دیا۔ تو مرنے سے پہلے ایمان ملا، مرنے کے بعد جنت ملی۔ تو جو پڑھنے لکھنے والوں کو خود کے پیسے سے کتابیں، کاغذ، قلم، کاپیاں اور خرید کر دیتے ہیں یا اس طرح کے ادارے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنے مرتبے عطا فرمائے گا۔ صرف قلم اٹھا کے دینے پر ایمان مل رہا ہے، آخرت میں جنت مل رہی ہے، تو خرید کے دینے پہ کیا ملے گا؟ اداؤں کے نام پہ خرید کر دینے پہ کیا ملے گا؟ جتنی ضرورت کھانے پینے کی ہے اس سے زیادہ ضرورت علم کی ہے۔ انسان تو آدھی روٹی کا ٹکڑا کھا کے بھی جی سکتا ہے، بلکہ اگر برا نہ مانو تو کہوں، روٹی کا ٹکڑا تو کتے اور بلیوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اب روٹی کے ٹکڑے کی بات نہ کرو، اب انبیاء کی وراثت کی بات کرو، علم کی بات کرو، علم کے نام پہ خرچہ کرو۔ جہاں صحیح کام ہو رہا ہے تعلیم پر وہاں خرچہ کرو، لیکن پہلے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، لائر، وکیل، جج، پائلٹ سب بناؤ، مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ۔ اسکول اور کالج کے زینے تک اپنے بچوں کو پہنچانے والوں، مسجد کے دروازے تک بھی لانے کی کوشش کرو۔ ورنہ یاد رکھنا کہ ڈاکٹر کا باپ ہونا ہمارے یہاں فخر کی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کو مسلمان رکھنا ہمارے یہاں فخر کی بات ہے۔ ڈاکٹر بناؤ گے دنیا میں عزت ملے گی، لیکن اگر مسلمان صحیح نہیں بنایا تو قبر میں وہ پٹائی اور دھلائی ہوگی کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ڈاکٹر ضرور بناؤ، انجینئر ضرور بناؤ، ٹیچر ضرور بناؤ، لیکن پہلے ان کو مسلمان بناؤ۔